हर कोई व्यक्ति जीवन में अच्छा बनना चाहता है, अच्छा सोचना चाहता है, अच्छा करना चाहता है, अच्छा खाना चाहता है, अच्छा पहनना चाहता है, अच्छी साफ सुथरी जगह पर रहना चाहता है और अच्छा स्वस्थ शरीर चाहता है। पूरी जिंदगी इन सभी बातों के लिए कड़ी मेहनत करता है, जूझता है, कई बार अपने प्रयास में सफल होता है और कई बार असफल भी होता है, लेकिन एक बात निश्चित है कि वह पूरी जिंदगी प्रयास करता रहता है। यह हर मनुष्य को कुदरत से मिला हुआ उपहार है कि वह इस तरह से ही सोचता है, यह उसका बेसिक नेचर है, लेकिन उसके कर्म, उसकी परिस्थितियां उसको मजबूर कर देती हैं कि वह अपने रास्ते से दूर चला जाता है। जिस तरह समुद्र की लहरें उठती हैं और तट पर पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलों को अपने साथ वापस ले जाती हैं और समुद्र की बीच लहरों में फिर वह बोतलें गोते खा रही होती हैं, कभी तट पर दोबारा आना भी चाहिए और कोशिश करके कोई लहर सहारा भी देना चाहिए तो फिर कोई बड़ी लहर उसको वापस समुद्र में फेंक देती है। इसी को हमने कर्मों का बवंडर कहा और इससे कोई बच नहीं पाया, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा, चाहे वो किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, वर्ण का हो, भगवान को मानता हो या नहीं मानता हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सभी इस कर्म फल के नियम से प्रभावित होते हैं। और जो वास्तव में इसका असली व्यक्तित्व है, जो सत्य और अच्छा करने की ललक इसके अंदर है, यह उसमें टिक नहीं पाता। कर्म पर कर्म चढ़ते जाते हैं, करना कुछ और चाहता है और हो कुछ और ही जाता है। यह बात हमको अच्छे से मन में बैठा कर रखनी होगी कि हम यहाँ असहाय ही पाते हैं अपने को, मगर फिर भी जितना विवेक बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना सोच विचार हम कर सकते हैं, वह किसी भी कृत्य को करने से पहले जरूर करनी चाहिए, उसके परिणामों को जरूर आगे रख लेना चाहिए, क्योंकि जो भी कृत्य हम करते हैं उसको दोबारा करने की संभावना बढ़ जाती है। यह भी मन का एक ऐसा मैकेनिज्म है, तो हमें किसी भी कृत्य को करने से पहले सोचना चाहिए कि यह पुण्य कर्म है या पाप कर्म है, क्योंकि जो भी हम कृत्य करेंगे उसके दोबारा करने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर वह पुण्य कर्म हुआ तो दोबारा पुण्य कर्म करने की संभावना बढ़ जाएगी, और अगर वह पाप कर्म हुआ तो पाप कर्म दोबारा करने की संभावना बढ़ जाएगी। और यही पुण्य और पाप कर्म धीरे धीरे हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बनने लगेंगे और एक आदत का रूप ले लेंगे, और फिर पूरी जिंदगी हमने उनके परिणामों को भुगतना होता है। उदाहरण के लिए, अगर हम एक दिन किसी व्यक्ति के कहने से उसके साथ सिगरेट पी लेते हैं तो अगले दिन सिगरेट पीने की संभावना बढ़ जाएगी, और हम यह जानते हैं कि सिगरेट का कोई भी लाभ आज तक किसी भी रिसर्च में नहीं बताया गया। इसके लिए हमें पढ़े लिखे होने की या अनपढ़ होने की, गरीब या अमीर होने की ज़रूरत नहीं है, यह सभी जानते हैं कि इसके नुकसान हैं, फ़ायदा एक भी नहीं, मगर उसके बाद भी हम यह कृत्य करते हैं, तो हमें पूरी जिंदगी इसके परिणाम भुगतने होंगे, जो गलत ही होंगे और जिसके लिए मनुष्य किसी और को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकता। इसीलिए अपने किसी भी कृत्य को करने से पहले एक बार उसके आने वाले संभावित परिणामों पर जरूर नज़र मार लेनी चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे अच्छे विचार और अच्छा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है।